पुलिस कंट्रोल रूम दतिया में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में 619 अवैध हथियारों, 680 जिंदा कारतूस और 60 खाली कारतूसों पर रोड रोलर चलाया गया और अवैध हथियारों को मैं जिंदा कारतूस खोला सहित नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर आज कोतवाली पुलिस ने दतिया जिले में वर्ष 2005 से वर्ष 2019 तक के प्रकरणों में जब्त हुए अवैध हथियारों पर चला रोड रोलर। इस दौरान एएसपी कमल मौर्या, एसडीओपी प्रियंका मिश्रा, रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी और सिटी कोतवाली टीआई विजय सिंह तोमर भी मौजूद रहे। विभिन्न तरह के आम लोगों और अधिकारियों को आज कंट्रोल रूम में माननीय न्यायालय की अनुमति के साथ नष्टीकरण किया गया। साथ ही भविष्य में भी जो इस तरह के अवैध तत्व जो इस इलाके में जो दिक्कत है उसको देखते हुए इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी और समय समय पर इनका पेनिट्रेशन रोकने के लिए जैसे शराब नष्टीकरण किया गया वैसे ही आज आम्स का नष्टीकरण किया गया और भविष्य में भी ये बार बार कार्रवाई जारी। सर, जिले में लगातार पुलिस पूरी निगरानी बनाए हुए है और कार्रवाइयाँ भी लगातार हो रही हैं, कभी ये अस्त्र शस्त्र आ कहाँ से जाते हैं लोगों पर और ये कैसे? ये बिल्कुल सही बात है कि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए कई कुछ इलाके